हेलो दोस्तों, ये डर्मा सीरीज़ की 5 वीडियो सीरीज़ की 4th वीडियो है। इसमें हम जो डर्मा के लास्ट 10 ईयर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे। अब इसमें हम एस टी डी में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है जेनाइटल अल्सर डिजीज़। यह आपकी बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल फर्स्ट डिजीज़ है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या क्या पता होना चाहिए? इसमें कंकर बनता है, इसमें जो साइन होता है वो होता है ब्रेस्ट के ओलन ड्रॉप साइन। सेकेंड जो रिएक्शन देखने मिलती है वो आती है जेरिस हर्नर मेर रिएक्शन। और जो कंजनाइटल सिफिलिस है वो अर्ली टाइप भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। लेट में हिचिसन ट्राइड इसकी क्राइटेरिया होता है। सेकेंड कंडीशन डिजीज़ है वो है आपकी कॉनक्रोइड। ये कोज होता है हीमोफिलस ड्यूक्राई। साइन कौन सा देखने मिलेगा? अपीयरेंस स्कूल ऑफ फेस एंड रेल रोड ट्रैक अपीयरेंस इसमें देखने को मिलता है। थर्ड आता है डोनो वेनोसिस, रेड अल्सर एंड डोनोवन बॉडीज इसमें देखने को मिलेगी। फोर्थ कंडीशन है क्लाइमेड एलजीवी। एलजीवी का कोज होता है क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटिस और इसमें हमें इस्थियोमन कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो वायरल। वायरल में पहला वायरस है हर्पिस जेनेटेलिस। इसमें HSV2 ज़्यादा कोज करता है कंपेयर टू 1। सेकंड कंडीशन आती है यूरेथ्रल डिस्चार्ज डिजीज़। पैथोलॉजी आपकी मेनली यूथराइटिस होता है, ये गोनोकोकल भी हो सकता है, नॉन गोनोकोकल भी हो सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज मेनली जो पैथोजन है वो आपका कैंडिडा होता है। ट्राइकोमोनियसिस कंडीशन होती है और बैक्टीरियल वेजाइनलिस हो सकती है। सर्वाइकल डिस्चार्ज का कोज आपका गोनोकोकल भी हो सकता है और क्लाइमेडिया भी हो सकता है। इंगुअल जो ब्यूबो है उसमें दो कंडीशन फिर से, वो कैनक्रोइड की वजह से हो सकता है और आपका एलजीवी की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के मेनली कोज होते हैं, एक तो गार्डनेला वेजाइनलिस, एक माइकोप्लाज्मा, एक एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जो कंडीशन आती है सोरियोसिस। सोरियोसिस में हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑटोइम्यूनिटी से होती है, इसके टाइप हमें पता होना चाहिए। नंबर वन सोरियोसिस वल्गैरिस मोस्ट कॉमन। सेकेंड इज गुलेट सोरियोसिस रेन ड्रॉप साइन। थर्ड इज एरिथ्रोडर्मिक सोरियोसिस। फोर्थ इज फ्लेक्सुरल सोरियोसिस। फिफ्थ इज सेबो सोरियोसिस। सिक्स्थ इज जनलाइज पोस्टुलर सोरियोसिस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो ड्रग रिएक्शन है। नंबर वन फिक्स्ड ड्रग रिएक्शंस, ये आपके ड्रग कौन सी टेट्रासाइक्लिन सल्फोनामाइड NSAIDs मेट्रोनिडाजोल। इसमें आपको कंडीशन आती है बुलस FDE। सेकंड कंडीशन है एरिथेमा मल्टीफॉर्मे, इसमें टारगेट लेजन देखने को मिलती है। थर्ड कंडीशन है एस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल न्यूरोलाइसिस, इसमें आपको निकोलसी साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन है वो है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसमें आपको मैक्स जोसेफ स्पेसिस देखने को मिलेगा। इस आप ये इंटरफेस डर्माइटिस। ठीक है, जो इसके टाइप है वो देख लीजिए, ओरल लाइकन प्लेनस, एक्यूट वाइड स्प्रेड लाइकन प्लेनस। थर्ड इज लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसा। फोर्थ इज लाइकन प्लेनो पीलियरिस एंड फिफ्थ इज हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लेनस। तो हमने इस वीडियो में सोरियोसिस, ड्रग रिएक्शन, लाइकन प्लेनस एंड STDs जो टॉपिक है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे
लास्ट 10 ईयर में पूछे गए वो आपके साथ में डिस्कस किया, तो थैंक यू।